हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो डिज़ाइन लेकर आए हैं, ये तो हमने ये पोटली बैग बनाया है जिसमें हमने मोती लगाए हैं और मोती इसके अंदर 6 mm के मोती हैं और 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। वाइट कलर की ऊन है 3 ply में। तो इसका डिज़ाइन आप देखिएगा, बहुत सुंदर ये बना है और इतना अच्छा, मतलब इतना प्रिटी और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कि आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। आप इसको शादी में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने लिए भी इसको बना सकते हैं। अगर ये चीज़ हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो 500 से 600 हमको ये कम से कम पड़ेगा, लेकिन आप इसको आसानी से और बहुत ही कम कीमत में घर में ही बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। और सबसे पहले यही कहना होगा कि वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। तो आइए इसको बना। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे नीडल लेनी है और नीडल में हमने ये धागा डाल लेना है। अब देखिए, यहाँ से इसको हमने जॉइंट किया हुआ है और इसको हमने इस तरह से यहाँ पर एक नॉट लगाई हुई है। इसमें हमने जो ये धागा है, इस धागे को इस तरह से करके हम देखिए इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके हमने इसके अंदर डाला है। अब हम जो ये एक मोती है, तो मोती को हम नीडल के अंदर डालेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके इस धागे में यहाँ ले जाएंगे। तो ऐसे करके आपके पास जितनी भी मोती हैं वो सब आप एक एक करके अपने धागे के अंदर डाल लें। ये देखिए, इस तरह से करके हमने पूरा जो हमारे पास में ये मोती हैं तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम अपना जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 chain बनानी है, 1, 2, 3, 4। यहाँ लास्ट वाली चेन के अंदर ऐसे क्रोशिया लेंगे और इसको स्लिप नॉट से बंद करेंगे। फिर यहाँ पर हमने 2 chain बनानी है। 2 chain बनाने के बाद जो हमारा रिंग बना है इसके अंदर हमने 12 double crochet बनाना है। ऐसे करके हम इसके अंदर 12 double crochet बना लेते हैं। ये 12 double crochet हमने बना लिया है। यहाँ लास्ट वाली चैन के अंदर क्रोशिया डालेंगे, उसको स्लिप नॉट से बंद करेंगे। फिर से हमने यहाँ पर 2 chain बनानी है और सेम इसी के अंदर हमने 1 double crochet और बनाना है। अब हर एक चैन के अंदर हमने दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये चैन में बनाया है, इसी चैन के अंदर हमने एक बार फिर से 2 double crochet बनाना है। यहाँ पर भी 2 double crochet हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 1, 2 से करके इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। फिर हम इस चेन के अंदर इसको अटैच करेंगे। तो 2 row हमने बना ली हैं, 2 chain बनाएंगे, फिर से हमने इसके अंदर 2 double crochet, फिर यहाँ पर 1 double crochet, यहाँ पर देखिए 2 double crochet बनाएंगे, 1, 2, इस चैन के अंदर 1 double crochet, यहाँ पर बनाएंगे 2 double crochet, 1, 2, ऐसे करके इस राउंड को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसको भी हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। इसको अटैच किया। अब आपने इसका जितना बड़ा साइज़ बनाना है तो उतना आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसको गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी आपने इसका डिज़ाइन बनाना है। अब हमने ये देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है तो इसको हम यहाँ से देखिए 1 chain बनाएंगे और जो ये हमारे पास चैन बनी है इसको हमने यहाँ से बैक साइड से इसको इस तरह से लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है तो ये हमारी साइड है और बैक साइड
पीछे की तरफ है। तो अगर आपने इसको, हमने जो डिज़ाइन बनाना है तो हमारे बैक साइड से इसको बनाना है हमने, इसके लिए हम इसको इस तरह से यहाँ से घुमाएंगे और फर्स्ट वाला ये वाली रो हमने यहाँ से, ये देखिए इस चैन को हमने ऐसे करके लेना है और एक सिंगल क्रोशिए की पूरी रो हम यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से हर एक चैन के अंदर एक एक बार हमने सिंगल क्रोशिया डालते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए ये रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और यहीं से हमारा जो डिज़ाइन है ये इसका जो बेस है तो ये इस तरह से और ये ऊपर की तरफ यहाँ से मुड़ गया है। तो अब हम इसको भी यहाँ पर अटैच कर देते हैं। देखिए हमने चैन बनाई है ना यहाँ पर एक, तो इस चैन के साथ हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ से इसको लेंगे और ये स्लिप नोट से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चैन बनानी है और यहीं से हमने जो मोती का डिज़ाइन है उसको हमने शुरू करना है। देखिए मोती हम आगे ले आए हैं, अब यहाँ पर हमने इस मोती को यहाँ करना है और ऐसे करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन हमने यहाँ पर स्किप करनी है और दूसरी चैन के अंदर हमने देखिए ऐसे करके एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाना है। तो आप मोती जो है वो पीछे की तरफ करते रहें। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस मोती को आगे लाएंगे और यहाँ पर हमने एक चैन के साथ इसको अटैच कर देना है। एक चैन हम यहाँ स्किप करेंगे और दूसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन हम बैक साइड से बना रहे हैं, इस साइड हमारा फ्रंट साइड है। फिर इस मोती को आगे लाएंगे और इसको भी हमने ऐसे चैन के साथ अटैच कर देना है। ये चैन स्किप करेंगे और दूसरी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस चैन, इस मोती को आगे लाएंगे सिंगल क्रोशिए के साथ, ये देखिए इसको स्किप करना है यहाँ पर, स्किप करेंगे यहाँ पर, इसको स्किप करना है यहाँ पर, सिंगल क्रोशिए से अटैच करेंगे। देखिए ऐसे लिया, फिर ये चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर ऐसे करके ये रो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ लास्ट में हमने ये मोती लिया, इसको हमने ऐसे अटैच किया। अब हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे और देखिए इस चैन के अंदर यहाँ से इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने एक चैन बनानी है और इसी चैन के अंदर हमने एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसको हम आगे लाएंगे, फिर से हमने ऐसे करके एक चैन बनानी है और ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर से। पहले हमने एक चैन यहाँ पर स्किप की थी लेकिन इस बार हम यहाँ पे जो मोती लगा है इसको स्किप करना है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करना है। फिर हम ये वाला मोती आगे लाएंगे और इसको हमने यहाँ पर पहले चैन से अटैच करना है और ये देखिए मोती के ऊपर मोती आएगा और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिए से अटैच करना है। ऐसे करके हमारा ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट होता है और ये यहाँ इसके अंदर हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप नॉट से अटैच करते हैं। इसको हमने अटैच कर लिया। अब देखिए ये हमारा पोटली बैग बनकर तैयार है। आप इसकी लेंथ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ जो हमने इसका बेस बनाया। तो ये 1 2 3 4
फोर रो हमने इसमें बनाई है नीचे की तरफ से। अब जो ऊपर का हमने इसमें ये पर्ल लगाए हैं तो इसको भी आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 रो हमने ये वाली इसमें बनाई है। अब देखिए इसको हमने यहाँ पर, यहाँ तक हमने इसको बैक साइड से बनाया, लेकिन अब हम इसको फ्रंट से बनाएंगे। तो फ्रंट से बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने एक चैन बनाई, एक चैन बनाने के बाद इसको हमने यहीं पर अटैच करना है इसी चैन के साथ में, यहाँ पर अटैच करेंगे और इसको हमने ऐसे करके घुमा लेना है। अब हर एक चैन के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए ऐसे करके एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाते हुए, अब हमने जो मोती के ऊपर की तरफ चैन है इसके अंदर से भी ऐसे इसको लेकर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे करके इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये रो यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। एक चैन बनाएंगे और यहीं पर हमने इसी चैन के अंदर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए आगे जो हमारे पास में चैन है इसके अंदर हमने ऐसे करके पूरी रो सिंगल क्रोशिया की बनानी है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं जितनी आपने ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बना सकते हैं, किनार बना सकते हैं। इसमें ही हमने ऊपर की तरफ से जो स्ट्रिप वगैरह लगाएंगे तो यहीं से हमने लगानी। तो ये हम आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो इसमें हमने फोर रो बना ली हैं, 1, 2, 3, 4 फोर रो के बाद में अब देखिए यहाँ पर हमने इसको जॉइंट किया है, एक चैन बनाएंगे और यहाँ से जो हमने फर्स्ट वाली रो हमने बनाई है ये फ्रंट है हमारा, तो यहाँ पर इसके अंदर हमने ये देखिए ऐसे करके इसको निकालना है। फिर यहाँ पर इसको दोनों स्टिच निकाल देनी है, फिर इसके अंदर से हमने ऐसे करके दो स्टिच हैं दोनों को एक साथ निकाल देंगे, इसके अंदर हमने ऐसे करके आप ये किनार इसमें बना लें। देखिए बहुत सुंदर सी किनार हमारी बन रही है, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना। देखिए बहुत सुंदर ये हमारा किनार इसमें बन गया है। अभी हम धागा यहाँ पर कट कर देते हैं। पहले ये देखिए किनार बन गया है, यहाँ पर हमने इसमें धागा भी कट कर दिया। अब हम इसका पूरा ऐसे करके बीच सेंटर करेंगे और इसके अंदर हमने यहाँ पर डोरी बनानी है। तो डोरी आप चाहे जैसे बनाएं, लेकिन मैं इसमें डिज़ाइन की डोरी बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए पहले हमने यहाँ पर ऐसे करके चार चैन हम यहाँ पर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 इस चैन के अंदर हमने इसको स्लिप नॉट से बंद करना है। तीन चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसी चैन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे करके डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें, 3, 4 यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1, 2 फिर से हमने यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 फिर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, चैन बनाएंगे, 1, 2
टू थ्री, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे करके हमने यहाँ पर एक फ्लावर बनाना है। तो इस तरह से करके हमने ये फ्लावर बना लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये देखिए इसमें हमने 70 चैन बना ली है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इस तरह से डबल करेंगे हम, इसके बराबर हमने इसको बनाना है। अब इसमें हम इधर डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, पहले हम इसके अंदर इसको इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जॉइंट है और इसके अंदर आप ये रो देख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको इसके अंदर इंटर करेंगे। इसको यहाँ पर कट किया और ये धागा हम यहाँ पर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको, अब देखिए इसके अंदर से मैं इसको ऐसे करके क्रोशिए से जो ये धागा हमारे पास में है इसी से हमने इसको ऐसे करके इसके अंदर डालना है। वन टू थ्री फोर, ये देखिए ये डोरी हमने यहाँ से डाली इस साइड से, पूरा घुमाकर यहाँ तक ले आए हैं। अब दूसरे वाली हमने ठीक इसके भी सेंटर से यहाँ से इसको ऐसे किया और इस साइड से मैंने इसको डाला है। तो एक बार चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसको हमने यहाँ से अलग कर लिया। अब हम इसको नीडल में धागा डाल लेते हैं, धागा डाला, बी सेंटर इसका हमने यहाँ पर किया, यहीं से हमने, आप ये ध्यान करिए ये जो डिज़ाइन है हमारा ये बाहर की तरफ रहना चाहिए। अब इसको मैं ऐसे करके डाल लेती हूँ, पूरा 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 राउंड में हमने इसको घुमाना है, जहाँ जहाँ से हमने इसको डाला था वहीं से इसको भी डालना है। ये पूरा ऐसे करके हम इसको यहाँ तक ले आए। जब हम इसको ऐसे करके हमने इसको यहाँ से देखिए बंद करेंगे, तो दोनों साइड से इस तरह से इसको हमने खींच लेना है। ये दोनों तरफ से हमने इसमें डोरी बना ली है। ये देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे ऐसे करके हम इसको खोल सकते हैं। अब जो हमारे पास में ये वाला अभी पार्ट छोटा है, इसका भी और ये भी, तो इसमें भी हमने ऐसे करके फ्लावर बना लेने हैं। दोनों को हम बना लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए साइड जो हमने फ्लावर बनाना है इसमें हमने एक दो तीन, और ये इस चैन के अंदर स्लिप नॉट लगानी है। एक चैन बनाएंगे और यहीं पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है तीन, देखिए दो, सॉरी एक दो तीन, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे
और इसको हमने इस चैन के साथ यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर अटैच करेंगे और दो चैन हम यहाँ पर और बनाएंगे, वन टू, दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, वन टू थ्री, सिंगल क्रोशिया, चैन, डबल क्रोशिया, तीन, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन हम, फाइव पत्तियां हमने इसमें बना ली हैं। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके इस धागे को कट कर देते हैं, तो दोनों तरफ से हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बन गया। अब हमने इसमें से यहाँ पर देखिए जो डोरी बनानी है ऊपर से, तो उसको भी हम बना लेते हैं। अब हमने इसमें ऊपर की तरफ से डोरी लगानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक देखिए फाउंडेशन चैन बनाएंगे और इस चैन को हमने बीच सेंटर में यहाँ पर क्रोशिया लेकर इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना। देखिए इसको हमने यहाँ पर अटैच किया। अब हम इस धागे को यहीं पर हमने कट कर देना है और जितने मोती हमारे पास में है ये सब मोती हमने यहाँ पर इस तरह से स्टोरी से यहाँ पर अटैच करेंगे। अब ये भी आपने जितना इसकी लेंथ रखनी है उतना आप इसको रखिए और फिर हम इसको यहाँ अटैच कर देते। तो यहाँ पर भी हमने 20 सेंटर में इसको अटैच करना है। इसको भी हमने यहाँ पर अटैच कर देते हैं और धागा हम दोनों तरफ से कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर दो चैन हमने बनाने हैं। तो ये हमने इसमें डोरी लगा दी है और हमारा बैग बनकर तैयार है। बहुत सुंदर बना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।